सो हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त फैजल। और यार बहुत दिन से ना आप लोगों को मैं घुमाने नहीं लेके गया, तो मैं आज चलता हूँ और आपको नजमा एरिया घुमाता हूँ। ठीक है, नजमा एरिया में क्या है, बेसिकली स्ट्रीट फूड बहुत है वहाँ के। ठीक है, और अपने लोकल लोग होते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आज वहाँ पे खाना टेस्ट करेंगे और देखेंगे उनके पास क्या क्या है। और एक हमारे दीपक भाई हैं, वो अभी इंडिया से आए हैं, तो उनसे पता करेंगे कि उन्होंने जॉब कैसे ढूंढी कतर एयरवेज के अंदर में, और उनके लिए रूम ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ यार मैं, और ना जैसे मैं रूम से निकला ना तो एक बस जा चुकी थी, तो हर 12 मिनट्स के बाद आती है, तो अभी ये जा रही है ना एक इधर से, तो फिर अब वहाँ से आएगी तब हम जाएंगे। ठीक है, वैसे ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो बस फिर फटाफट बस में बैठेंगे और निकलेंगे। आपको ये बार कोड दिख रहा है ना, ये वाईफाई है, इसको स्कैन करके आप फ्री एक्सेस वाईफाई ले सकते हो जब तक आप ट्रांसपोर्ट के अंदर में हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो आप बटन देख रहे हो, हर सीट पे इन्होंने बटन दे रखा है स्टॉप का, तो आप गाड़ी रुकवा सकते हो नेक्स्ट स्टॉप पे। ये चार्जर दे रखा है सी का और USB का। ठीक है, तो आप चार्ज कर सकते हो फ़ोन को। और सीट देखो कितनी क्लासिक है यहाँ पे। तो मैं मंसूर एरिया में पहुंच चुका हूं, चलिए कहीं पे बैठ के बात करते हैं आराम से। दीपक भाई मुंबई से हैं, अभी आए हैं और इन्होंने कतरवेज में आए ना, तो अभी हम कराची रेस्टोरेंट में आए हुए हैं खाना खाने, तो इनसे कुछ पूछेंगे जो भी इन्होंने जैसे भी अप्लाई किया, ताकि आपको भी थोड़ा मदद मिले। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट किया आपने इसमें ज्वाइन करना? मैंने तो मतलब नौकरी गल्फ में रजिस्टर किया था। नौकरी गल्फ? हाँ, वहाँ से मुझे कॉल आया। अच्छा, बट यू हैव टू बी पेशेंट, मतलब दो महीने बाद भी आ सकता है कॉल। ओके, और वो पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी बहुत टाइम लगता है, पूरा वीज़ा प्रोसेस करने तक, पूरा स्क्रीनिंग इंटरव्यू। अच्छा, एक डेढ़ महीना मिनिमम लग जाता है। किस डिपार्टमेंट में आप? AEM के स्किल्स पे आए हो? अच्छा, Adobe का एक टूल। ओके, IT में काम करो। यानी प्रोसेस पूरा कितना में हो गया यहाँ तक पहुँचने में? मुझे लगता है डेढ़ महीना तो लगा। डेढ़ महीना तो आने में कितना खर्चा हो गया पूरा? आने में तो कुछ खर्चा नहीं होता है, वो जो फ्लाइट तो आपका बुक करते हैं वो लोग, कुछ दिनों का स्टे करते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई खर्चा नहीं है ना। और कोई टिप्स देना चाहें जो नए बंदे आने वाले हैं? हाँ, तो थोड़ा सा रिसर्च करें। हाँ, यहाँ पे एकोमोडेशन आने के बाद थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है या बात करनी पड़ती है, तो फ्रेंड सर्कल में कोई हो या रिलेटिव में कोई हो तो पहले से थोड़ा डिस्कस करके। कभी कभी होटल एकोमोडेशन थोड़ा कम दिन का होता है, 3-4 दिन का। अच्छा, तो उस टाइम में मैनेज करना पड़ता है, तो ट्राई करो कि वीकेंड्स में आ जाओ, जो छुट्टियों के दिन हैं उसमें आप तलाश कर सकते हो, आप घूम सकते हो एरिया पास के और पता कर सकते हो कौन सी लोकेलिटी बेटर है आपके लिए। तो वही वही बाकी मस्त लग रहा है ना आपको यहाँ के? हाँ, अच्छा है वेदर, तो अभी काफ़ी अच्छा है वेदर, अभी का तो अच्छा है, आगे का पता नहीं। हाँ, तो ज्वाइनिंग वगैरह कब से आपकी? मेरी कल से ज्वाइनिंग है। ठीक है, बाकी चलो ठीक है यार। दीपक भाई यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन अभी मेन जो काम बाकी है ना वो है इनके लिए अकोमोडेशन ढूंढना, क्योंकि अभी ये होटल में स्टे कर रहे हैं। ठीक ना, तो इसलिए हम अभी अलमंसूरा एरिया में है। ठीक है, और मेरे 2-3 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ से ढूंढेंगे और इनके लिए एक अच्छा सा स्टूडियो देखेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे ढूंढते हैं, और फाइनली मैं अगर मिल जाएगा रूम तो मैं आपको रूम दिखाऊंगा। हमने ये ऑर्डर किया, ये तो गर्म नहीं है ना? ये तो गर्म है यार। हमने ये ऑर्डर किया कढ़ाई चिकन, और ये चिकन बिरयानी, और ये तंदूरी रोटी, और है हमारे सलाद। दीपक भाई लो निकालो। चिकन का जो बेस इन्होंने डाला ना, सारा खड़ा मसाला है, देख रहे हो है ना, मसाला बिल्कुल मस्त है। नहीं भाई, सब्जी मस्त है आपकी, टेंगी फ्लेवर है। हाँ, तो दीपक भाई कैसा लग रहा है आपको कतर में कढ़ाई चिकन का आगे? अच्छा है ना? नहीं, खाना काफ़ी अच्छा है इनका, और इनकी रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये देखो चिकन कितना यानी अच्छे से पका हुआ है, और मसाले इसमें भरे हुए बढ़िया से। अब मेन बात क्या है ना, वो टमाटर वाली प्यूरी नहीं है इसमें, ये खड़े मसाले हैं सारे, सारे खड़े मसाले, टोमेटो भी। खाना तो लजीज है यार, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, हाँ मज़ा आ गया। ऐसी रोटी मैंने इंडिया में भी नहीं खाई। तंदूरी रोटी है। हाँ,
बट आई थिंक इसमें थोड़ा दही मिला के सॉफ्ट किया है, सॉफ्ट ज़्यादा है, काफ़ी मस्त। ये जो एरिया ना मंसूरा, ये न्यू कमर्स के लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, न्यू कमर्स के लिए बहुत बेस्ट है, आप आराम से घूम सकते हो, बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो, इवनिंग में बहुत हलचल रहती है। और इसमें ऐसा है ना, जैसे कि आप यहाँ नए आए, आपको जानने वाला कोई नहीं, तो आदमी बाहर निकल सकता है, अपने मन को लगा सकता है, लोनली फील नहीं करेगा। हाँ, और छोटी दुकानें हैं, समोसे, चाय की, और हलचल रहती है यहाँ पे। हाँ, जो हमारा वाला इलाका है ना, वो तो बिल्कुल ही वैसा ही है। बिरयानी चावल इतने खिले खिले से हैं, और बिल्कुल चटपटा सा इसका टेस्ट है। मैंने पहले भी दिखाया था आपको वीडियो में, यहाँ की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, देख रहे हो, गोश्त इतना अच्छे से पका हुआ है, और इसका जो मसाला है ना, चाट मसाला, वो बड़ा प्यारा है। तो इसको इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे एक दुकान है, ये सामने देख रहे हो ना, अलमदीना फ्राइज, इस पर रमज़ान के टाइम में संबूसा इतना ज़्यादा मिलता है, और ये यानी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो कतर लिविंग है ना, अच्छा, उन्होंने भी एडवर्टाइज़ दिया है इसका, अलमदीना फ्राइज का। हाँ, इसको संबूसा मिलता है इसमें, और वो लहाम वाला वो, अभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो खाना खा लिया, नहीं तो खाते, ठीक है। और इस वाले एरिया में ना, आपको लगेगा ना कि हाँ इंडिया ही है, और अपने अपने तरफ के लोग मिल जाएंगे आपको। हाँ, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी देखो ना, बस लगी हुई है, बस से इधर उधर जा सकते हो, नजमा की उस तरफ जा सकते हो, है। हाँ, और फिर उधर इधर की तरफ आपको मेट्रो है, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू जहाँ मैं रहता हूँ ना। देखो, रेस्टोरेंट हर जगह पे है। देखो, ये सामने कड़क मकानी ने, इनकी चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ वीडियोस में पहले भी मैंने आपको दिखाया था। किधर है आपका होटल? यही होटल है सामने। हाँ, 1 BHK है ना ये। हाँ, 1 बेडरूम रखा है। ये सब ये फ्रिज है? हाँ, अच्छा, डाइनिंग के लिए टेबल है, डाइनिंग टेबल वगैरह है, टीवी वगैरह दिया हुआ है। ये अटैच वाशरूम है ना? हाँ, ये वाशरूम है, काफ़ी सही है। कितने दिन का स्टे है इसमें? हाँ, ये वार्डरोब। हाँ, स्टे कितने दिन का है? स्टे मुझे 3 दिन का मिला, बट एक्सटेंडेड है। कितना? 5 डेज है। तो कंपनी के थ्रू है ना सारा? हाँ, फिर तो ठीक है। तो आप कतर एयरवेज के थ्रू आते हैं ना, तो आपको ऐसा होटल मिलता है 3 से 5 दिन के लिए, ताकि आप स्टे कर सकें और अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकें। तो अभी दीपक भाई कितना दिन हो गया आपको? मुझे अभी 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए ना, तो यानी 2 दिन और बाकी। अभी इन दिनों में इनको अकोमोडेशन देखना है और सारी चीज़ें सेट करनी है। और ड्यूटी कब से स्टार्ट है आपकी? ड्यूटी कल से स्टार्ट। कल से स्टार्ट है, तो अभी बस ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा यही स्ट्रगल थोड़ा सा होता है कि अकोमोडेशन वगैरह हो जाए तो सारी चीज़ें हो जाए। हाँ, तो अभी मेन चल रहा है कि अभी अकोमोडेशन करवाना है, ठीक है, उसका भी देखते हैं। और आज थोड़ा सा घूमने निकलते हैं, भाई को घुमाते हैं। खाना वगैरह हमने यहीं कराची रेस्टोरेंट से खाया, ठीक है। खाना कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया था। खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं या फिर निकलते हैं? निकलते हैं, ठीक है। ये डे पास ले लो। तो डे पास का ये फ़ायदा होता है ना कि इससे आप मल्टीपल स्टेशन पे उतर सकते हो और पूरे दिन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये लिया ना। हाँ, पूरे 24 आवर्स, तो कल 3 बजे तक है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर बहुत बार आप ट्रैवल करने वाले हो ना, तो इसको यूज़ करो, अदरवाइज़ कार्ड तो है ही है, कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल ऑफ कतर के अंदर में, मेट्रो से बिल्कुल स्ट्रेट में था ना, तो हमने चलो थोड़ा घूम के आते हैं, दीपक भाई को भी थोड़ा यहाँ के मॉल वगैरह घुमाएं। कैसा लगा दीपक भाई? आप मेट्रो बहुत लंबा आ गया। बिल्कुल लास्ट वाला एरिया ना ये वाला, तो बहुत लंबा है। और आज का दिन पूरा दीपक भाई के साथ घूमा मैंने ना, चलो भाई को घुमाते, भाई का मन लगता है थोड़ा। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, 2-4 दिन से बहुत बोर हो रहा था। हाँ सर, आप मेट्रो से एग्जिट करोगे ना, तो ऐसे डायरेक्ट मॉल के अंदर है, ये बाहर में लाइटिंग्स लगी हुई है, चलते अंदर। ये कितने का है? 515, यानी इंडिया के हो गए कितने भाई? 11,000। ये मस्त है,
इसको यहीं रहने देते हैं भाई। एक ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये है 575 रियल का, है ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हम कैरी फोर के अंदर में, इधर से आ जाओ। मैंने कॉफ़ी ली है, थोड़ी सी दाल लेनी है। तो भाई पूरा दिन घूमने के बाद और अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, मॉल की तरफ। हमने घूमा और दीपक भाई बताएंगे, दीपक भाई को कैसा लगा आज का दिन पूरा यहाँ पे? आज का दिन पूरा घूमने के बाद ऐसा लग रहा है, आज कुछ अभी हमें मॉल ऑफ कतर स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात का खाना भी बनाना है। दीपक भाई की कल से ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आज का पूरा दिन हमने दीपक भाई के साथ घुमाया, मॉल ऑफ कतर गए थे, थोड़ा सा सामान वगैरह लिया, ठीक है। आज खाना वगैरह खाया, तो इनसे मैं यही इन्फॉर्मेशन लेने आया था कि भाई कैसे इन्होंने अप्लाई किया, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे अप्लाई करते हैं और स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो अभी दीपक भाई फेस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कैसे सेटल हुआ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में मैं दिखाने के लिए आपको लेके आया था। तो दीपक भाई कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो पहली बात तो आप नौकरी गल्फ में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी लीड आती है। अच्छा, बट थोड़ा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली इट विल कम। और उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह में भी टाइम लग सकता है, और बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। हाँ, तो मेरा लग सकता है थोड़ा पेसेस रखे ना इंसान, तो नौकरी गल्फ हो गया, कतर लिविंग हो गया, तो ऐसे मिल जाती है जॉब, यानी है ना, थोड़ा सा पेसेस रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी बस अब हम निकलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ठीक है, तब तक के लिए बाय 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 बाय।